दोस्तों, आज हम आपको जिस शहर की सैर पर लेकर जा रहे हैं उसके चाहने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ल्ड फेमस डेस्टिनेशन है। अगर आप एक बेहतरीन टूरिस्ट हैं और आप दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपके लिस्ट में इस शहर का नाम जरूर होगा और हो सकता है आपने इस शहर को एक्सप्लोर भी कर लिया हो। दोस्तों, ये जगह बहुत ही खास है, रहस्यों से भरी है, खूबसूरती से भरी है। कहा जाता है कि इसे स्वयं ईश्वर ने खुद बनाया है। दुनिया से प्यार करने वाले लोग, खुद से प्यार करने वाले लोग और घुमक्कर जिज्ञासु लोग इस जगह पर जरूर पहुंच जाते हैं। यहां आपको धर्म, लग्जरी, मस्ती सब कुछ मिलेगा। ये फुल ऑन एक पैकेज है जो टूरिस्ट को बहुत पसंद आता है। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने इसके बारे में बहुत सारी वीडियो में भी देखी हूँ, लेकिन आज जिस बारे में हम आपको बताएंगे उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और जो जो बातें हम बताएंगे शायद आपने उन बातों को कभी ना सुना होगा और ना ही जाना होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक बेहद ही खास शहर के सफर पर। नाम है काठमांडू। जी हाँ, नेपाल की राजधानी काठमांडू। आज हमारा सफर जा रहा है पहाड़ों की नगरी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। तो जल्दी से करते हैं एक्सप्लोर, हो जाइए हमारी गाड़ी में सवार बिना टिकट लिए हुए। जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। काठमांडू नेपाल की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर नेपाल के काठमांडू घाटी में है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। काठमांडू की समुद्र तल से ऊंचाई करीब 1400 मीटर है, यानी 4600 फीट। दोस्तों, काठमांडू नेपाल के बागमती शहर में है और ये हिमालय की तलहटी में बसा है। ऐसा लगता है कि हिमालय ने इसे अपनी गोद में बैठा रखा हो। काठमांडू की जनसंख्या लगभग 16 लाख से ज्यादा है दोस्तों। इससे ये नेपाल का सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी बन जाता है और टूरिस्ट इसे और भीड़ भाड़ वाला बना देते हैं। जब भी आप इसे एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो लोगों के मुंह से आप नेपाली सुनेंगे। हालांकि यहाँ के लोग अंग्रेजी भी बोलते हैं, कुछ लोग तो मैथिली, भोजपुरी और हिंदी भी बोल देते हैं। दोस्तों, काठमांडू में अधिकांश लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन दोस्तों बौद्ध धर्म का भी यहाँ गहरा प्रभाव है। पशुपतिनाथ मंदिर और स्वयंभूनाथ स्तूप बौद्धनाथ यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल है। काठमांडू अपनी समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। ये शहर प्राचीन समय से ही बहुत ही खास रहा है। यहाँ कई महत्वपूर्ण मंदिर, स्तूप और महल भी हैं, जो इसे सांस्कृतिक रूप से बहुत ही खास बना देते हैं। काठमांडू की खूबसूरती इस बात में भी है कि इस पर कभी किसी दूसरे देश ने शासन नहीं किया है दोस्तों। भले ही अंग्रेजों ने चीन और भारत पर कब्जा क्यों ना कर लिया हो, लेकिन किसी विदेशी सेना ने कभी नेपाल पर आक्रमण नहीं किया। इस लिस्ट में आपको बहुत सारे ऐसे देश हालांकि मिल जाएंगे, लेकिन ये सबसे खास है। तभी तो ये टूरिस्ट के लिए भी और आम इंसान के लिए भी वही जगह रखता है। दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे ऊंचे पर्वत को काठमांडू से आप देख सकते हैं, जो केवल 240 किलोमीटर दूर है। साफ मौसम है तो नजारे बहुत खास नजर आएंगे दोस्तों। इसी के साथ यहाँ की इकोनॉमी मोस्टली टूरिज्म पर ही डिपेंड करती है, लेकिन और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं जिससे ये अपनी इनकम अर्न करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि नेपाल की आत्मा काठमांडू में बसती है तो गलत नहीं होगा। नेपाल कैसे जाएं, काठमांडू कैसे जाएं, वहाँ क्या क्या देखें, क्या क्या करें, ऐसी वीडियो तो आपने बहुत देखी होंगी। हमारी ही चैनल पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस हमने आपके लिए बनाई हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको जिस बारे में बताने जा रहे हैं वो चीजें, वो बातें आपका दिल छू लेंगी। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब हिमालय की गोद में बसा काठमांडू सिर्फ एक साधारण सा शहर था। लोग यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता की तारीफ करते थे, लेकिन इस शहर के भीतर छुपे कुछ रहस्य ऐसे थे जिन्हें जानकर लोग दंग रह जाते थे। काठमांडू का असली नाम कांतिपुर था, जिसका मतलब होता है सुंदर नगर। सही तो है, मगर समय के साथ इसका नाम बदला और काठमांडू पड़ गया। दरअसल दोस्तों, इसका कारण था, शहर का ये नाम एक प्राचीन लकड़ी की इमारत काष्ठ मंडप से लिया गया। ये इमारत बिना किसी कील के बनाई गई थी दोस्तों, और इसकी कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही दिलचस्प। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। जी हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सोचना भी मुश्किल है कि एक ही जगह पर इतने सारी धरोहर। स्वयंभूनाथ स्तूप, पशुपति मंदिर और भक्तपुर दरबार स्क्वायर जैसे स्थान यहाँ के सांस्कृतिक धरोहरों को और बढ़ाते हैं। सैकड़ों साल पुरानी कहानियाँ इसमें छुपी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, इस शहर की भीड़ से भरी हुई गलियों का एक रहस्य और भी गहरा है।
कहा जाता है कि इन गलियों को प्राचीन तांत्रिक विद्या के अनुसार बनाया गया। ये रास्ते ऐसे जाल की तरह है कि बुरी आत्माएं इसमें उलझ जाएं, जिससे शहर के लोग सुरक्षित रहे। यहाँ के लोग मानते हैं कि जादुई गलियाँ आज भी तांत्रिक शक्तियों से संरक्षित है और इसीलिए ये खुद को सेफ फील करते हैं। काठमांडू के पास ही एक विशाल शिव प्रतिमा है दोस्तों, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा माना जाता है। 143 फीट ऊंची ये मूर्ति दूर से ही श्रद्धालुओं को अट्रैक्ट करती है। दोस्तों सबसे बड़ा रहस्य तो काठमांडू घाटी में छुपा है। जमीन के नीचे एक नदी बहती है, समय समय पर ये धरती के नीचे से ऊपर आ जाती है और फिर गायब हो जाती है। लोग मानते हैं कि नदी मंदिरों और स्तूपों के नीचे से बहती है और इसकी धारा अद्भुत शक्तियां देती है इन जगहों को। इसी के साथ दोस्तों, एक ऐसा शहर है काठमांडू जो अपने भीतर न जाने कितने रहस्यों को समेटे है। यहाँ की हवा में, मिट्टी में, हर एक कोने में कोई ना कोई कहानी छुपी है। ये शहर जितना पुराना है उतना रहस्यों से भरा। शायद यही रहस्य है जो काठमांडू को दुनिया के नक्शे पर एक अनोखा स्थान बनाते हैं। काठमांडू नेपाल का सबसे पुराना जीवित शहर है। जी हाँ दोस्तों, ये शहर हजारों साल पुराना है। यहाँ की गलियाँ प्राचीन सभ्यता की झलक दिखाती हैं। मानो ऐसा लगता है जैसे इतिहास में चल रहे हों। इसी खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर सबके लिए कुछ ना कुछ है। यहाँ आपको वीजा की ना ही जरूरत पड़ेगी और ना ही पासपोर्ट की, लेकिन हाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूर रखने होंगे आपको। दोस्तों, भारत के गृह मंत्रालय ने साल 2017 में ही क्लियर कर दिया था कि नेपाल और भूटान जाने के लिए आधार वैध दस्तावेज नहीं है। यानी हम अपने आधार को, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मानते हैं इंडिया के लिए, वो यहाँ पर नहीं माना जाता। इसके बजाय आप यहाँ पर अपना वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अपना पासपोर्ट, अगर बच्चे हैं तो वो अपने स्कूल का आई कार्ड भी दिखा सकते हैं या फिर अपनी डायरी। दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं नेपाल तक पहुंचने के रास्तों के बारे में। आप दिल्ली से काठमांडू की हवाई यात्रा कर सकते हैं, पर ये आपके लिए महंगी होगी। अगर आप रोड यात्रा करना चाहते हैं तो वो थोड़ी सी लंबी होगी। इसलिए सबसे सही, सरल और सस्ता तरीका है, आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां से भारत नेपाल बॉर्डर सोनौली के लिए ट्रेन की टिकट ले लें। अगर आप बड़े ग्रुप में हैं तो आप टैक्सी या जीप भी हायर कर सकते हैं। इसी के साथ गोरखपुर से भारत नेपाल बॉर्डर 248 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पहुंचने में आपको 6-7 घंटे लगेंगे। सोनौली पहुंचने के बाद आपके पास दो रास्ते होंगे। पहले सोनौली से काठमांडू तक का रास्ता, जो कि 285 किलोमीटर दूर है, और दूसरा है सोनौली से पोखरा का रास्ता, जो 148 किलोमीटर है। चलिए, हमारा रास्ता जा रहा है काठमांडू की तरफ। चलिए आपको दिखाते हैं वो जगह जहां आप जा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको जाना चाहिए स्वयंभूनाथ मंदिर। अगर आप काठमांडू घूमने का प्लान बना रहे हैं तो स्वयंभूनाथ का विजिट कर सकते हैं। स्वयंभूनाथ, जिसे लोकप्रियता के कारण मून टेम्पल भी कहा जाता है, ये एक धार्मिक स्थल है, बौद्ध धर्म का प्रमुख और प्राचीन स्तूप, जो नेपाल के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दिखाता है। लगभग 2000 साल पहले इसे बनाया गया था। दोस्तों सोचिए कितना पुराना है। यहाँ पर भिक्षुओं, बौद्ध साधुओं और परंपरागत धार्मिक उत्सवों के दौरान भक्त आते हैं, लेकिन टूरिस्ट के लिए भी ये बेहतरीन जगह है। दोस्तों ये है बौद्धनाथ स्तूप, जो कि काठमांडू में ही है। बौद्ध धर्म का प्रमुख और प्राचीन स्तूप है ये, जो नेपाली और विदेशी बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख धार्मिक स्थल है। बौद्धनाथ स्तूप को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। बौद्धनाथ स्तूप लगभग 5वीं शताब्दी में बनाया गया, जिसका आकार 100 मीटर चौड़ा और 40 मीटर ऊंचा है। यही नहीं, स्तूप के आसपास बहुत सारी बौद्ध मोनेस्ट्रीज हैं और धार्मिक संस्थाएं, जो भक्तों के लिए धार्मिक अध्ययन का समय बिताने के लिए एक अच्छा समय है। अगर आप सुकून चाहते हैं और जीवन में एक अलग ही लाइफ जीना चाहते हैं तो यहाँ आ जाइए। दोस्तों ये है घंटाघर, जो कि काठमांडू में ही है। घंटाघर, जिसे कुमारी घर या कुमारी बाहल भी कहा जाता है, नेपाल के काठमांडू नगरी में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल। ये नेपाली संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। यहाँ पर नेपाल की राजकुमारी रहती थी। घंटाघर नेपाल के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को दिखाता है। 18वीं सदी में बनाया गया था इसे, और ये एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में आज पहचान रखता है। दोस्तों ये है दरबार स्क्वायर। दरबार स्क्वायर काठमांडू नगरी में है और बेहतरीन डेस्टिनेशन। ये नेपाल की राजकुमारी का निवास स्थान है। जी हाँ दोस्तों, दरबार स्क्वायर में नेपाली संस्कृति, इतिहास और संस्कृति की झलक मिलती है। 12वीं सदी से बना हुआ है ये। यहाँ हिंदू और बौद्ध मंदिर, स्तूप और श्री कृष्ण मंदिर है।
अगर आप काठमांडू आए हुए हैं तो यहाँ भी जरूर जाइएगा, नेपाल की संस्कृति और धरोहर देखने को जो मिलेगी। दोस्तों आपको पता है लोग नेपाल क्यों आना चाहते हैं? खूबसूरती तो एक बात है ही, जो खूबसूरती यहाँ देखने को मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी, नेचुरल ब्यूटी। लेकिन यहाँ पर लोग गैम्बलिंग के लिए भी आते हैं, यानी कि कैसीनो को एक्सप्लोर करने। यहाँ पर बहुत सारे कैसीनो हैं और बहुत ही कम रेट पर आपको एंट्री मिल जाती है। मात्र 2500 से 3000 रुपए देकर आप कैसीनो में एंट्री करते हैं, कुछ कॉइन्स मिलते हैं, अनलिमिटेड फूड मिलता है, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट मिलता है। यहाँ पर एक पार्ट कैसीनो का भी होता है जहाँ पर जाकर आप गैम्बलिंग करते हैं, लेकिन जीतने के बाद आपको जो जीत का स्वाद मिलता है वो बहुत ही खास होता है, लेकिन हारने के बाद जो उदासी आती है उसके बारे में भी सोच लीजिए। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि इससे आप दूर रहिए। और हाँ दोस्तों एक चीज और, कहीं ना कहीं चोरी छुपे नेपाल में या काठमांडू में आपको प्रोस्टिट्यूशन भी मिल जाएगा, और कुछ लोग तो इसी की तलाश में यहाँ पहुँचते हैं। हालांकि यहाँ पर वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी चोरी छुपे हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम तो आपसे यही कहेंगे कि गैम्बलिंग से और प्रोस्टिट्यूशन से रहिए दूर, लेकिन खूबसूरती को रखिए पास और एक्सप्लोर कीजिए नेपाल के काठमांडू को। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।